जाजू हैं, मैं फिल्म लाइन में करीब 20 साल से एक्टिव हूँ और आज तक करीब 10 फिल्में मैंने एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर फिल्में की हैं और 11वीं फिल्म मेरी तू मेरा पहला प्यार जिसमें मैंने एज एन एक्टर डायरेक्टर काम किया। मैडम जी अंजलि मैडम वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी। हमने ये फिल्म 2022 में दो लॉकडाउन के दरमियान बनी हुई बहुत कम फिल्में हैं जिसमें से ये एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म तू मेरा पहला प्यार। ये फिल्म मैंने उत्तराखंड में करीब 80% कंप्लीट की और वहीं के करीब 80% आर्टिस्टों को टेक्नीशियंस को मैंने उसमें काम दिया। हालांकि उत्तराखंड में जब फिल्म इंडस्ट्री से मैक्सिमम लोग जाते हैं मेकिंग करते हैं तो वहाँ के जो कलाकार हैं उनको जूनियर आर्टिस्ट बोल के ट्रीट किया जाता है। ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें वहाँ पर सभी लोगों ने कैरेक्टर रोल्स किए और उनको काफ़ी अच्छा मौका और उन्होंने काफ़ी उसको एंजॉय भी किया और बहुत अच्छी फिल्म हमने इसमें बनाई जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की सब्सिडी का प्रोविज़न के जो मानक थे वो सारे मानक भी हमने उसमें पूरे किए हैं और बाकायदा 18 फरवरी 2022 को हमने ये फिल्म उत्तराखंड के सभी मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ की। काठियावाड़ी और पुष्पा जैसी बड़ी फिल्मों के दरमियान या उनके बीच में हमारी फिल्म उनके साथ में रिलीज़ हुई और हमको काफ़ी अच्छे शोज़ भी मिले, अच्छा रिस्पांस भी मिला। हालांकि 50% का सीटिंग प्रोविजन उस पीरियड में चल रहा था, बावजूद इसके अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म हमारी काफ़ी अच्छी बनी थी और बहुत अच्छे संदेश के साथ बनी थी। उत्तराखंड के अमूमन सारे लोकेशन हमने उसमें कवर किए थे, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद में मसूरी और भी कई मतलब जो माने जाते हैं जैसे डाक पत्थर, विकास नगर, बहुत अच्छे लोकेशंस में हमने वहाँ पे काम किया। मुंबई में उत्तराखंड से बिलोंग करने वाली लड़की फिर एक फ्लैट बुक करती है 5 करोड़ में और वो उस जो डाउन पेमेंट करती है बिल्डर को वो पूरा अमाउंट समय पे दे नहीं दे पाती तो पैसा उसका फॉरफिट हो जाता है और उसी के लिए कुछ अमाउंट भरने के लिए उसने उत्तराखंड से ही किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा भी लिया होता है और उनके जो रिकवरी प्रोसेस होती है उस तकलीफ से वो सुसाइड करती है और फिर हीरो उसको किस तरह से जस्टिफाई करता है, उसको न्याय दिलाता है। और जब कोई आदमी डिफॉल्ट कर जाता है किसी तरह से अगर प्रॉब्लम में अटक जाता है तो उसको बैंकों ने फाइनेंसरों ने सपोर्ट करना चाहिए वो रीस्टैंड होने के लिए, ना कि वो सुसाइड करे। हम जो देखते हैं कि किसान सुसाइड करे ये करे तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ के जो लोकल साहूकार है पैसा देते हैं और फ्री रिकवरी के लिए उनकी फैमिली और उनका जीना हराम करते हैं और वो लोग सुसाइड करते हैं। दिस इज द बेसिक रीज़न ऑफ द सुसाइड्स इन फैक्ट। तो इन सारी चीज़ों को हमने हाईलाइट किया और एक अच्छे संदेश के साथ ये फिल्म को बनाया। अब जब हमने सब्सिडी के लिए फिल्म को फाइल को सबमिट किया, सारे हमने उसके जो भी प्रोसीजर थे वो पूरे किए, बावजूद इसके कई धक्के खाने के बावजूद भी वो जो हमारा पेमेंट बन रहा था 2.25 करोड़ की हमारी फिल्म में 54 लाख का हमारा सब्सिडी अमाउंट है वो हमको मिला नहीं। हमने उनको काफ़ी फॉलोअप किया और बहुत सारी चीज़ें बाद में मालूम पड़ा कि उसमें कई तरह के ऑल ऑफ सडन दे स्टार्टेड टू डिमांड गिव अस द जीएसटी सर्टिफिकेट्स बियॉन्ड एवरी बिल, हर बिल के पीछे हमको जीएसटी ये चाहिए। मैंने कहा हमारी जो कंपनी है वो 40 लाख के नीचे की टर्नओवर की कंपनी है उस पीरियड तक जब तक हमने मेकिंग की, तो उसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। जब हमको जीएसटी अप्लीकेबल है तो वाई शुड आई पे द जीएसटी एवरी टाइम। अब अगर 18% मेरे को जीएसटी पे करना है, 10 से 12% टूरिस्ट प्लेस है तो ज़्यादा वहाँ पे महंगा लेबर है, महंगा टूरिस्ट है, महंगा लिविंग है, वो मेरे को पे करना है, ये धक्के खाने का और अननेसेसरी जो डिमांड वाली अमाउंट है उसमें 10-15% रह रहे हैं, 50% अमाउंट मुझे वहाँ देना है एक्स्ट्रा और उसमें मुझे 30% सब्सिडी लेना है तो वाई शुड आई गो देयर। और सिर्फ मैं अकेला ऐसा फिल्म मेकर नहीं हूँ या मैडम अकेले ऐसी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है जो इस उत्तराखंड गवर्नमेंट की सब्सिडी ना देने की शिकार बने हैं, बल्कि कई वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन का तो पूरा एसोसिएशन भी उत्तराखंड के इस पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा मुझे कल ही एक प्रोड्यूसर से मालूम पड़ा है। और ऐसे कई प्रोड्यूसर परेशान है लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं गया, लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस जाजू क्रिएटिव्स प्रोडक्शन ये कोर्ट में गया है। बॉम्बे कोर्ट से उनको 2 बार समन्स भी गया है और उनका कोई भी रिस्पांस भी नहीं आया है। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि सूट्स को आगे फाइल करके इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोविजन फिल्म परिषद के खिलाफ हम कोर्ट में इस वक्त खड़े हैं और जब तक जिन फिल्मों के मानक पूरे हुए हैं सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू उनके सब्सिडीज नहीं मिलते हैं, हम किसी भी दूसरी फिल्म प्रोड्यूसर्स की सब्सिडी और ये सारे प्रोविजन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम स्टे लेने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली हम प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक कि ये पूरी चीज़ें समझ नहीं लेते वो वहाँ पे जाके फंसे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंसाने का काम किया।
आप वहां पे ऑफिस में चले जाते हो जीआर वगैरह लेने के लिए, पहले वहां का आदमी बोलता है आपका लाइन प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ का लाइन प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर 15-20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में काम कर रहा है उसको वहां के लाइन प्रोड्यूसर की क्या जरूरत है, फिर उसका प्रोडक्शन मैनेजर क्या काम करेगा, अल्टीमेटली अपना कोई आदमी प्लॉट करना उसके जरिए फिर उसको भी कंडीशंस रखना, ये सारी जो गलत चीजें हैं ये उस गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है और उसके खिलाफ हमारा आज का ये प्रेस है। Yeah, I only want to say that yes, because of this subsidy thing, हम जाते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं and they make a film over there. But जैसे उनकी एक film complete होने के बाद में क्या कहते हैं, अचानक से suddenly they demand for each and everything and then they deny of giving subsidy. So it's a great loss for any producer and people like us, we suffer. So I would request each and every producer to come in and join us and you know speak about it. आपने कहा कि एक तो जीएसटी प्रॉब्लम है और क्या क्या बताया प्रॉब्लम ये चीज है कंक्रीटली ना इन शॉर्ट आप बता दीजिए क्या आप चाहते हैं उन्होंने क्या क्या डिमांड किया था एक तो जीएसटी डिमांड किया था उन्होंने जीएसटी के लिए आपने कहा था और क्या डिमांड किया था 18% जीएसटी जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो पे का उन्होंने डिमांड किया जो कि पहले नहीं थी उनके जो हमारे पास जी आर उन्होंने दिया जो परमिशन में हमारे पास जी आर है उस गवर्नमेंट रूल्स जो वहाँ के हैं फिल्म के सब्सिडी के बारे में वहाँ पे कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको जीएसटी एफिलिएटेड बिल देने ही होंगे। मेरे पहले भी जिन फिल्मों ने या मेरे दरमियान भी जिन फिल्मों ने लिया उसमें मैक्सिमम ऐसी फिल्में जो है पहले वाली उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मैंने पहले भी देखी और दे स्टार्टेड डिमांड इनफैक्ट तो मैं बोला ये सही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है एप्लीकेबल है तो हम रेडी है बट हमारे को वो एप्लीकेबल ही नहीं है ना क्योंकि अब ट्रेडिंग बिजनेस है जाजू क्रिएटिव प्रोडक्शन इन द फिल्म्स इन फैक्ट एंड प्रोडक्शन तो वो 40 लाख के नीचे का अगर उसका टर्नओवर है उस फाइनेंशियल ईयर में तो नेचुरली उसको वो एप्लीकेबल नहीं है तो जरूरत नहीं थी तो वो एक मैटर था। अच्छा दूसरा फिल्म वो मैंने बनाई है थिएटर के लिए अब देखिए सारे बड़े मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म रिलीज हुई है और वो फिल्म को देख रहे दो भाई देख के प्रोजेक्टर में उनके ऑफिस के अंदर अच्छा वो कमेटी बैठी जो फिल्म के बारे में नहीं जानती उनको मालूम नहीं एक कैमरा यूज करने का क्या बेनिफिट है या चार कैमरे कहाँ यूज कर रहे दे स्टार्टेड वो नितिन उपाध्याय बोल के कोई उनका ऑफिसर अरे आपने तो एक ही कैमरा यूज करके काम किया एक ही 4K कैमरा यूज हुआ है लोगों ने 4K 8K मैंने कहा अलग अलग सिक्वेंस पे अलग अलग कैमरास का इस्तेमाल होता है मुझे फोकस काम करना है मेरा काम करने का सही है कि भाई मैं एक ही कैमरे पे मैं मैक्सिमम शॉट्स अलग अलग समय पे ले सकता हूँ और मेरे को लेना है 8 कैमरा लगा के भी अल्टीमेट रिजल्ट तो वही है कि जो शॉट लेने वही लेने 8 कैमरा यूज़ करो 8 का स्टॉक यूज़ करो एडिट टेबल पे जाओ 8 एडिटर्स या एट ए टाइम चाचा एडिटर उस पर काम करेंगे वो सब फोकस डिवाइड हो जाता है या फिर कोई ऐसा शॉट जैसा स्टंट होता है कि भाई एक ही सेकंड में होने वाला है तो ऐसी जगह पे कोई एक दो कैमरा अगर मिस हो गए तो बाकी के तो उस समय मल्टी कैमरा का यूज होता है तो ऐसा कोई शॉट तो मेरी फिल्म में है ही नहीं तो भाई शुड आई गो फॉर दैट कोर्ट में हम मुंबई कोर्ट में हमने डेंडोशी कोर्ट में इनके खिलाफ केस फाइल की उत्तराखंड के फिल्म परिषद के खिलाफ और उनको ऑलरेडी दो समन्स क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन मुंबई है बिकॉज हमने फिल्म को सेंसर मुंबई में किया है एट द सेम टाइम उत्तराखंड भवन जो है जहाँ हमारा पहला अप्रोच हुआ वो वाशी में है तो उसकी वजह से ये ज्यूरिसडिक्शन मुंबई का है और अल्टीमेटली फिल्म के सारे मानक को जो फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई इंडस्ट्री समझ सकती है वो उत्तराखंड में अभी उतने क्या एक्सपर्ट्स नहीं है तो कोई भी चीज़ अगर फिल्म को हमको थिएटर में दिखाना है साउंड और हर चीज़ को प्रूव करना है तो मुंबई इज द बेस्ट इन फैक्ट तो दैट्स व्हाई वी आर इन मुंबई ज्यूरिसडिक्शन है महामंडल के लोग है वो प्रॉपर थिएटर में फिल्म देखते हैं थिएटर में साउंड वगैरह चेक करते हैं ये थिएटर में फिल्म देखे भी कर डिसाइड करते थिएटरिकल फिल्म को तो ये सही नहीं है जबकि उनको इन्वाइट भी किया गया था कि आप आओ थिएटर में फिल्म देखो हमने उनको सिल्वर सिटी देहरादून में इन्वाइट भी किया था फिल्म जब रिलीज हुई तब तो हमारी डिमांड ये है कि जो प्रोड्यूसर्स की सब्सिडीज की है वो सारी की सारी सब्सिडीज अब रिलीज किए जाए चूंकि अब इन्होंने नया इन्हांस किया है
ज़्यादा सब्सिडीज दी जाएगी, ज़्यादा प्रोविजन किया जाएगा। अभी उनका नया प्रेस रिलीज हुआ है हफ्ते भर पहले, लेकिन उसके पहले जिन प्रोड्यूसर के साथ गलत हुआ है पहले उनको वो सही करें, ताकि आगे जाके दूसरे प्रोड्यूसरों के साथ गलत ना हो। 100 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा फिल्म लाइन से वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेस रिलीज भी है, और बजट दे रहे 30% के नाम पे 3 या 5 करोड़ रुपए, उसमें भी एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बाद वो रिलीज होता है, उसमें भी कई लोगों को रिजेक्ट किया जाता है जो कि उनके गवर्नमेंट जीआर में कहीं लिखा हुआ नहीं। आप कायदे में बैठते हो? पूरे कायदे में पूरे बैठते हैं, हमने उनके पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट किया हुआ। परमिशन ली थी, स्क्रिप्ट जमा करने का वहाँ प्रोविजन नहीं है, वहाँ पे परमिशन और वन लाइन देनी पड़ती है, तो हमने वन लाइन दी। हाँ, लोकेशन की उनको दे, हाँ बिल्कुल, परमिशन लेके परमिशन पीरियड में परमिशन आफ्टर में उनके बिल सब 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 फाइल वगैरह सब कुछ सबमिट किया, इसलिए तो कोर्ट में है ना। तो रिटेल में उन्होंने कुछ लेटर दिया था क्या? क्या उन्होंने कुछ लेटर दिया राइटिंग में उन्होंने रिजेक्ट लेटर दिया है हमको 14 जून 2023 को, और जबकि मैं उनसे जाके मिला था 9 जून 2023 को, लक्ष्मीकांत तिवारी जो वहाँ के आईएएस ऑफिसर है नितिन उपाध्याय उनको, और मैंने उनसे कहा था कि आप फिल्म थिएटर में देखिए, मैंने 12 जून को फिल्म दिखाने के लिए प्रोविजन भी किया था सिल्वर सिटी देहरादून में, और उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन वो आए नहीं, और उसके बाद सीधा 14 जून को उन्होंने रिजेक्ट लेटर दिया, जबकि 19 दिसंबर 2022 को स्क्रीनिंग हुई है। अगर रिजेक्शन ही देना होता तो उसी पीरियड में दे देते, तो नहीं दिया। शूटिंग से पहले सबमिट किए थे पेपर? सारे पेपर शूटिंग से पहले जो लगते हैं वन लाइन वन लाइन, हाँ बिल्कुल, अप्रूवल लेके सारे उनके प्रोसीजर को कंप्लीट करके वहाँ की गवर्नमेंट को हम यहाँ से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो है मुंबई बेस्ड है, नंबर एक, दूसरा सेंसर फिल्म यहाँ से हुई है, तीसरा उनका उत्तराखंड भवन यहाँ पे वाशी में है जहाँ पे हम सबसे पहले जाके मिले थे। जैसे मैंने फरवरी 2022 को परमिशन लेटर लिया, वहाँ पे मिस्टर बिष्ट थे जो सीएम उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर उनके तरफ से यहाँ का काम देखते थे, तो मिस्टर बिष्ट को हम जाके मिले थे, मिस्टर बिष्ट मेरे ऑफिस में भी यहाँ आए थे मुंबई में, तो ये सारा मतलब ज्यूरिसडिक्शन है, ये मुंबई ज्यूरिसडिक्शन में आया है, इसलिए हमने मुंबई से इसको फाइल किया। यहाँ पे जो कोर्ट को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, और फाइल हमने ऑलरेडी उधर सबमिट कर ली है उत्तराखंड। तो स्क्रीनिंग हुआ था 19 दिसंबर 2022 को, उसमें टॉप में हमारी फिल्म का नाम है तू मेरा पहला प्यार, दूसरे पे नाम है तड़प, सुनील शेट्टी के सुपुत्र सुपरहिट फिल्म तड़प, उसका नाम 2 नंबर पे है, तीसरे पे बधाई दो ये है, उसके बाद बाकी के ऐसे टोटल 8 फिल्मों का स्क्रीनिंग 19, 20 और 21 दिसंबर 2022 को हुआ था, ये वो पेपर है जो मैंने आप सभी को दिए हुए हैं। उसके अलावा जो कोर्ट में हमने डिंडोशी कोर्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करी है, तो ये उसका ऑर्डर है जज का, क्योंकि उनको 2 बार कमर्शियल मेडिटेशन के लिए बुलाया गया, 2 बार समन्स दिए गए थे, वो समन्स पे उनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, उन्होंने किसी भी तरह का रिस्पॉन्स लिखित रूप में दिया नहीं, तो अभी इसके खिलाफ हम आगे सूट फाइल करके न्याय मांगेंगे।